अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत एक ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ आई साइट के लिए। एक्चुअली मैं ये रेमेडी अपने बच्चों के लिए ऑफ एंड ऑन बनाती रहती हूँ, और ये उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है जिनकी आई साइट वीक है या ग्लासेस लगी हुई है। एंड दिस इज़ माई ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। ये मैंने खुद पर्सनली ट्राई और टेस्टेड है अपने घर में, क्योंकि मैं ये अपनी बच्ची को देती रही हूँ और उसकी जब मैं अभी लास्ट फॉलोअप में गई थी तो उसकी आई साइट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। आपने करना क्या है, आपको बिल्कुल ये जो चार चीज़ें कॉमन आपके घर में यूज़ होती हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए अगर वो सेपरेटली भी खाएँ तो उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट का, उसकी जो कमी है उसको पूरा करने का काम करती है। सबसे पहले उसमें है फूल मखाने। ये आपको पता होगा, ये यूजली दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये आपके जो बच्चे होते हैं उनकी समटाइम्स बच्चों में आयरन की कमी होती है, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं अगर जो दूध नहीं पीते समटाइम्स, या जो जिन जो खाने पीने के ज़रा चोर है, तो ये अगर आप उनको वैसे भी ड्राई रोस्ट करके दे दें एज अ स्नैक, तो ये अगर ये बच्चों की जो कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, या जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, ये उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद आपको चाहिए बादाम। बादाम जो यू ऑलरेडी नो के इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये हमारे बच्चों की बोन्स के लिए, हाइट के लिए, दिमाग के लिए ये बेस्ट न्यूट्रिएंट काउंट होता है। सौंफ, सौंफ जो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है, प्लस ये आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको वैसे भी एक चम्मच लेते रहें तो ये भी बहुत अच्छा आपके रिजल्ट्स आपको देगी। उसके बाद है ये मिश्री, ये हम डाल रहे हैं थोड़ा सा, जो बच्चे हैं इस तरह नहीं खाते ये इस तरह की चीज़ें, तो मीठा करने के लिए हम डाल रहे हैं। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं, या वो लोग जो सिर्फ जिनको कोई शुगर का इशू है या वो जो मीठा नहीं खाते, तो ये इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने ये चारों चीज़ें इक्वल अमाउंट में ले लेनी है और इसको आपने एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, कोई ड्राई रोस्ट नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी। आप इन चीज़ों की तादाद ऊपर नीचे भी कर सकती हैं, जो जो चीज़ आपको जितनी पसंद है उसको उतना डाल भी सकती है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने एक एक ये लेकर इंग्रेडिएंट इसको आपने ग्राइंड कर लेना। इकट्ठा ना कीजिएगा क्योंकि मशीन फिर अच्छे से इसको ब्लेंड ग्राइंड नहीं करेगी। बिल्कुल बारीक पाउडर आपने इसका बनाना है। ये देखें, ये मैंने चारों चीज़ें ग्राइंड कर ली हैं। सिर्फ जो मिश्री है वो थोड़ी सी शायद आपको प्रॉब्लम दे, उसको आप छोटा पीस कर लीजिएगा। और बादाम, सौंफ, मखाने और ये मिश्री, ठीक है। आपने अब क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, ठीक है, इस किस्म का एक जार लेना है। कोई भी जार, एयर टाइट जार हो, बिल्कुल ड्राई हो अंदर से, बिल्कुल हल्की सी भी नमी ना हो, नहीं तो ये जो आपने बनाया है सारा मिक्सचर ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके इस जार में रखना है। ये देखें, ये मैंने रेडी कर लिए, ठीक है। आपने सुबह मॉर्निंग में अपने जो बच्चे हैं जब वो स्कूल जाने लगे हैं, या जब भी सुबह मॉर्निंग में नहा रहूँ, आपने ये एक चम्मच उनको देना है। दूध के साथ पी लें तो सबसे बेस्ट है, अगर दूध नहीं पीते तो ये एक चम्मच अगर वो वैसे भी खा लेंगे तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। रात को भी एक चम्मच दूध के साथ खा के सो सकते हैं, यानी दिन में आपने एक या दो चम्मच लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। और ये ट्रिप जो है ये मेरी पर्सनली फेवरेट इसलिए भी है कि इसमें सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बच्चे अगर हम आई साइट के लिए नहीं भी यूज़ करते सपोज़, और इसको जनरली भी बना के अगर खाते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की बोन्स, ब्रेन, हाइट, उनकी बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। उनके लिए, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल हमारे खानों में वो वाले न्यूट्रिएंट्स तो मिलते नहीं हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स ऐसा एलिमेंट है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्योर होती हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज की टिप आपको अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी इसके रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा। और टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।